हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी स्पेशल छानार पायेश या फिर छेना की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम छेना और यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ाई में हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। अभी इस दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अभी इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। अगर मीठा आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अभी हम डाल देंगे कुटी हुई हरी इलायची 3 से 4 और 2 बड़े चम्मच चॉप्ड किए हुए आमंड्स। आप लोग चाहे तो आमंड्स के बदले जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो अभी दूध को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गाढ़ा होने तक बीच बीच में ऐसे ही चलाते हुए हम पकाएंगे। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अभी हम डाल देंगे छेना। छेना डालने के बाद अभी खीर को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। अगर आप लोगों को ऐसी और भी कई तरह की खीर या फिर मिठाई की रेसिपीज चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए खीर बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो खीर को 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख कर फिर उसके बाद ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।